Hi everyone, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Twitter पे एक ट्रेंड है जो फॉलो कर रहा है #NEET2022 postponed. देखो, मैं एक बस छोटे से वीडियो में ये बनाने वाला हूँ, आप सबको बहुत क्लियरिटी के साथ चीज़ें बताने वाला हूँ. अप टू यू कि आप इसके आगे क्या करना चाहते हो. देखो, पहली चीज़ जो आपके दिमाग में जो जहाँ से क्वेश्चन आया वो ये आया कि JEE है वो पोस्टपोन हो गया तो नीट भी पोस्टपोन होना चाहिए. नाउ द पॉइंट ओवर हेयर इज JEE इसलिए पोस्टपोन हुआ क्योंकि बोर्ड्स की डेट्स के साथ उसका बहुत क्लैश हो रहा था, बहुत क्लोज हो रहा था, उसकी वजह से वो पोस्टपोन हुआ. सेकेंड थिंग जो आपको ये दिखाता है कि भैया आपको लगने लग जाता है कि नीट जो है वो भी पोस्टपोन होना चाहिए कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट जो नया आया है ना, उसकी भी डेट बहुत क्लोज होने वाली नीट से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब दैट इज समथिंग इररिलेवेंट, आपको उसकी वजह से ही नहीं सोचना चाहिए कि नीट भी पोस्टपोन हो जाएगा. नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहां पर आप ये सोचने लग जाते हो बार बार कि जहां आपको ये चीज 2020 से चलती है, जहां पर आपने ये नहीं देखा कि ट्विटर पे कुछ पोस्टपोन हो रहा है, नीट पोस्टपोन हो रहा है, हेल्थ ओवर नीट, JEE हेल्थ ओवर नीट, और ये सब चीजें आप देख के आपको लगने लग जाता है कि नीट फिर से पोस्टपोन होने वाला है. नाउ मैं आपको बहुत क्लियरली चीज बता दूं यार नीट 20 सालों से 2020 को आप हटा दो तो फर्स्ट वीक ऑफ मे पे होता है और होता रहेगा. अब पिछले जो 2 साल में 2020 और 21 में शेड्यूल खराब हुआ है, इसको पूरा जो है NTA ट्राई करेगा पीछे पुश करने का. और इसलिए हर साल आप देखोगे कि देखो अभी सितंबर से पीछे की गई डेट कोशिश की गई 17 जुलाई की गई, अगले साल आप देखोगे हो सकता है जून या मई में डायरेक्टली ला दिया जाए एग्जाम, है ना. तो दैट इज अ क्लियर कट थिंग. यहाँ पर आपको दूसरी सोच नहीं सोचनी है कि भाई नीट पोस्टपोन हो रहा है ना. नाउ इन द एक्सट्रीम कंडीशन 1% की भाई अगर नीट पोस्टपोन हो रहा है तो यार सबके लिए हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर अभी आप सोच के चलो तो आप अपना दिमाग में जो आपका टाइम टेबल हो जाएगा एक्सटेंड और आप नहीं कर पाओगे पढ़ाई अच्छे से. नाउ व्हाट इज इन इट फ्रॉम अस फॉर ऑल ऑफ यू, अ वेरी बिग थिंग, इसको सुने बिना मत जाना. पूरे नीट के ये आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी, सारे चैप्टर्स फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी, एक दिन में एक चैप्टर हम लोग अपनी तरफ से आपको पूरा अच्छे से उसका पूरा 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा लगेंगे पूरा आपको रिवाइज करेंगे. और ये सब आपको YouTube पर मिल जाएगा ओपन फॉर ऑल ऑफ यू. कहां कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्या शेड्यूल होगा, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है. हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो शायद लाइव चल रहा हो चुका होगा वीडियो, उसको आप देख लेना. कल से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी लाइव डेली, 1 चैप्टर इन 1 शॉट डेली इवनिंग ऑन YouTube कंप्लीटली फ्री विदाउट एनी हिडन चार्जेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है एक बार आप अपनी सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हो, लेकिन बहुत बच्चे जिनके कंसेप्ट अभी भी वीक हैं, जिन्हें नहीं पढ़ा था पहले, उनको अगर समझना है अच्छे से लाइव मैनर में पढ़ना है और लाइव मैनर में पढ़ के चीजों को समझ के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और नीट को फोड़ना चाहते हैं, सो दे कैन सी दिस सीरीज. बट माई ओनली सेकेंड टू यू इज कि अगर आप पहला लेक्चर देख रहे हो तो उसी श्रद्धा के साथ लास्ट लेक्चर तक देखना, नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पर कोई सीरीज लॉन्च हो रही है, कहीं और कुछ चल रहा है, कहीं और तीसरी चीज चल रही है, आप बस जंपिंग जैक की तरह इधर से उधर जंप करते रहोगे और नीट में भी फिर आपको नीट 2022 से नीट 2023 में जंप करने लग जाओगे, या तो CUET का सोचने लग जाओगे या कुछ और सोचने लग जाओगे, ठीक है. सो माई ओनली सजेशन इज जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड फॉलो वॉट इज बींग टॉट. हम लोग की तरफ से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया जाएगा ऑन YouTube. And I think अगर ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल दो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू समथिंग लाइक दिस एंड दैट टू कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन YouTube फॉर ऑल दी सब्जेक्ट. सो जस्ट अ रिक्वेस्ट यार, अगर आपको हेल्प मिलेगी तो प्लीज आप उसको प्लीज शेयर करिएगा एंड मेक दिस हेल्प अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. शेयरिंग इज केयरिंग. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. टिल देन, बाय एवरीवन, सी यू अगेन, बाय.